हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर एक्स पेडियल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किन साइन क्रीम के बारे में और जानेंगे इस क्रीम के बारे में कंप्लीट डिटेल, जैसे कि इसकी क्या यूजेज हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इसको हम किन किन इंडिकेशन में यूज कर सकते हैं, देन इसकी डोजेज क्या है, यानी कि इसको यूज करने का सही तरीका क्या है, और लास्ट में हम बात करेंगे इसकी साइड इफेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर आप हमारे लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको इस स्किन साइन क्रीम के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्किन साइन क्रीम के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इसकी पैकिंग है। इसकी अंदर 15 ग्राम का क्रीम है जो कि आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। और फ्रेंड्स, अगर हम इसके कंपनी की बात करें तो इसको कैडला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। इसकी MRP की बात की जाए तो इसकी 149 रुपीज़ इसकी MRP है, और ये आपको मेडिकल स्टोर पर बड़ी आसानी से 60 से 70 रुपये में मिल जाएगी। और इसकी अगर कंपोजिशन की बात करी जाए तो फ्रेंड्स, इसमें हाइड्रोक्विनोन, मोमेटासोन फ्यूरेट एंड ट्रीटनोन दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसकी यूजेज के बारे में कि इस क्रीम को हम किन किन इंडिकेशन में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये महिलाओं तथा पुरुषों में जो चेहरे पर मेलाज्मा हो जाता है या पिगमेंटेशन के दाग हैं या आपके चेहरे पर दाग धब्बे हो गए हैं, तो आप ऐसी कंडीशन में इस स्किन साइन क्रीम का यूज कर सकते हैं। ये आपके चेहरे के दाग धब्बों को तथा पिगमेंटेशन के दाग को ख़त्म करने का काम करती है। उसके अलावा अगर आपके चेहरे पर खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, बर्निंग सी हो रही है, तब भी आप इस क्रीम का यूज कर सकते हैं। ये वहाँ भी आपके इन समस्याओं को दूर करेगी। देन आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट्स हो गए हैं या पैचेस के निशान हो गए हैं, तो ये इन सभी समस्याओं को ख़त्म करने का काम करती है। लेकिन आपको मैं बता दूँ दोस्तों, ये कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है, ये कोई गोरा करने वाली क्रीम नहीं है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज ना करें। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो आपके चेहरे पर रेडनेस, इचिंग, आपकी स्किन थिन हो सकती है, आप धूप में जब भी जाएंगे तो आपको चेहरे पे जलन होगी, तो ये इसके साइड इफेक्ट हैं अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो। ये आप क्रीम तभी यूज करें जब आपको ये सभी समस्याएं जो मैंने आपको बताई हैं, तो आप इसको एज ए फेयरनेस क्रीम यानी कि गोरा होने के लिए यूज बिल्कुल ना। और फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि स्किन साइन क्रीम को यूज करने का सही तरीका क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको पहली बार यूज कर रहे हैं तो आप इसको यूज करने से पहले आप अपने चेहरे पर कहीं भी थोड़ी सी जगह पर इसको अप्लाई करें। अगर आपको इचिंग, बर्निंग या इरिटेशन टाइप का कुछ लगता है तो आप इसको यूज ना करें, और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होती तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और इस क्रीम को हमेशा रात को सोते समय ही लगाना चाहिए। आपको अपने चेहरे को वॉश करके इसको आप लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको दिन में यूज करेंगे और आप अगर धूप के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं तो आपके चेहरे पर इचिंग, बर्निंग और रेडनेस ही होने लगे, तो इसलिए आपको इसका यूज हमेशा रात को सोते समय ही करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि स्किन साइन क्रीम है, उसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने आपको बताया कि तीन तरह के इसमें इंग्रेडिएंट हैं, हाइड्रोक्विनोन, मोमेटासोन एंड ट्रीटनोन। तो मैं तीनों के बारे में आपको एक एक करके बताता हूँ। जो हाइड्रोक्विनोन दिया गया है वो एक स्किन लाइटनिंग एजेंट है। ये चेहरे पर ग्लो चमकदार बनाने का काम करता है। ये चेहरे पर जो मेलानिन होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल मैसेंजर होता है, वो क्या होता है कि जब एक जगह पर कहीं भी इकट्ठा हो जाता है तो उस जगह को डार्क बना देता है। तो ये उस डार्क स्पॉट्स को, इस मेलानिन के लेवल को कम करने का काम करता है। इस तरह से जो स्किन होती है वो वाइट होने लगती है और गोरी दिखने लगती है, तो ये इसका काम होता है। देन इसके अलावा जो इसमें मोमेटासोन फ्यूरेट दिया गया, वो दोस्तों एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जिसका काम चेहरे पर या स्किन पर कहीं भी इन्फ्लामेशन है उसको कम करेगा। देन इचिंग हो रही है या बर्निंग हो रही है या चकत्ते लालिमा है उनको कम करेगा, तो ये वहाँ काम करता है। और फ्रेंड्स, जो ट्रीटमेंट दिया गया वो विटामिन ए का एक रूप है जिसका काम पुरानी स्किन को बेकार होने के बाद जो नई स्किन होती है उसको जनरेट करने का होता है। तो इस तरह से ये तीनों स्किन साइन में काम करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, इसका यूज अगर आप लंबे समय तक करते हैं तो आपके चेहरे पर रेडनेस से होने लगते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको इस स्किन साइन क्रीम के बारे में कंप्लीट जानकारी दी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।